अच्छा बहू, जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दो, ये औरतें तुझे साड़ी पहना देंगी। लेकिन माँ जी, सबके सामने कपड़े खोलने की क्या जरूरत है? आप मुझे साड़ी दे दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है, हम सब भी तो औरतें ही है ना, और दरवाजा भी बंद कर दिया है, कोई अंदर नहीं आएगा। चल जल्दी से कपड़े उतार। अरे तुम लोग शक्ल क्या देख रही हो, मदद करो बहू की। हाँ। सारे पिंस निकाल देना। संभाल के। ये जूड़े में से भी सारे पिन निकालो, ये आजकल की पार्लर वाली भी ना 1000 पिन लगा देती हैं। और देखना कोई भी नुकीली चीज शरीर पे ना रहे। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरे सारे गहने उतरवा दिए और बाल भी खुलवा दिए। अरे पगली, रात भर तेरे बाल ऐसे ही थोड़ी ना रहने वाले थे। और ये लो, इसे साड़ी पहना दो। बहू, तुम शहर की पढ़ी लिखी हो ना, इसलिए तुम्हें हमारे यहाँ के रीति रिवाज नहीं मालूम। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ये लो बहू, हमारी प्रथा, इसे रात में अपने पास रखना और सुबह होते ही जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुना देना। अच्छा चलो, तुम लोग क्या हंस रहे हो, चलो जल्दी जल्दी ये सब सामान उठाओ, प्रशांत को भेजना है ना। सब काम मुहूर्त में होना चाहिए, ठीक है? चलो। जी भाभी। क्या हुआ? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। पहले तो मुझे सजा दजा के सब मेहमानों और घर वालों के सामने बिठा दिया, फिर कमरे में लाके सब औरतों के सामने मेरे कपड़े उतरवा दिए और गहने भी, और ये सूत का गोला थमा दिया। मैं बताता हूँ तुम्हें, बैठो बैठो, आराम से बैठो। वो क्या है ना, मेरी बीवी विलायत से पढ़कर आई है ना, तो उसे हमारे रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है, मुझे बताना ही पड़ेगा। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये हमारी प्रथा में हर लड़की के साथ होता है। और ये जो सूत का गोला है ना, इसे तुम्हें संभाल के रखना है, कल सुबह आएगी माँ इसे लेने के लिए। समझ रही हो? सुनो ना, मुहूर्त निकला जा रहा है तो बहुत देर कर दी बहू दरवाजा खोलने में। हाँ हाँ ठीक है। अरे तू क्या कर रहा है, अब तक सो रहा है? उठ, चल उठ, उठ ना जल्दी। उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। भाभी, ये कोरी चादर उठा, इसके माँ बाप के मुंह पर दे मारेंगे। किसी इस्तेमाल की हुई लड़की हमारे मत्थे मरती। बस कीजिए माँ जी, तक मैं सारी बातें चुपचाप सुनती आ रही हूँ और देखती आ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। सुन लिया आपने? इसलिए कह रही थी, पढ़ी लिखी बहू घर में लाओगे तो ऐसे सत्यानाश होगा, भुक तो अब। ये क्या बकवास कर रही हैं आप, और क्या कलेश? माँ, ये क्या कर रही हो? चुप कर तू, एकदम चुप कर। तू और तेरे घर वालों ने हम सबको धोखा दिया है। अरे हमारे हीरे जैसे लड़के को तेरी जैसी लड़की थमा दी, पता नहीं कहां क्या क्या मुंह काला करके आई होगी। अब इसके घर वालों के सामने सारा फैसला होगा। चल
ये क्या कह रही है माँ जी? और ये कौन सा तरीका है किसी पे इल्जाम लगाने का? तारा, तारा तुम्हें मालूम नहीं है क्या? देखो क्या है ना कि हमारी प्रथा के हिसाब से अगर सुहागरात के बाद भी ये कोरी चादर साफ सुथरी रहती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि दुल्हन दुल्हन कुंवारी नहीं है। क्या बकवास है ये? और आज के जमाने में इन सब बातों को कौन मानता है? और ये कौन सा तरीका है ये पता लगाने का कि लड़की कुंवारी है या नहीं? आज के जमाने में लड़कियां छोटी उम्र में ही भाग दौड़ करना शुरू कर देती हैं, जॉब जाती है, गेम्स खेलती है। मैं खुद कॉलेज में हॉकी खेल चुकी हूँ। आज के जमाने में चादर पे दाग है या नहीं ये देखे किसी के कैरेक्टर पे कोई इल्जाम कैसे लगा सकता है? सारा तुम सही कह रही हो, सारी बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये प्रथाएं तो प्रथाएं होती है ना। तुम एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करके आता हूँ वहां से। कोरी चादर, जी हाँ, जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है। आज के इस युग में आदमी और औरत के बीच में हम बराबरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस समाज में कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जो आज भी जिंदा है। तारा भी ऐसी ही कुप्रथाओं के चक्कर में फंस चुकी है। उसकी आने वाली जिंदगी का अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं। हमारी प्रथा तो बर्बाद हो गई। ये लो कोरी चादर और अपनी मैली लड़की, ले जाओ उसे हमारे घर से। ऐसा ना कीजिए, हमारी तारा ने कुछ गलत नहीं किया है। वो आज के जमाने की लड़की है, लेकिन वो गलत नहीं है। अरे आज के जमाने की लड़की है मतलब कहीं भी मुंह काला करके हमारी घर की लक्ष्मी बन के बैठेगी? नहीं चाहिए हमें ऐसे उल्टा बहू। अपनी लड़की को शहर में पढ़ने के लिए तुम नहीं भेजा था? अब पता नहीं किस किस के साथ घूमती फिरती होगी, हॉकी के साथ पता नहीं कौन कौन सा खेल खेलती होगी। आप लोगों ने जानबूझकर अपनी चरित्रहीन लड़की को हमारे बेटे के गले मार दिया। संदन जी, हम आपके हाथ जोड़ते, ऐसा मत करिए, वरना हम अपनी बिरादरी में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। समाज में हमारी भी इज्जत है, ये बात आप की तरह फैल जाएगी कि हमारी बहू इस प्रथा में असफल रही। हम किसे अपना मुख दिखाएंगे हैं? आपकी बेटी से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो इस घर में नहीं रह सकती। पापा, इतनी सी बात पे आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? चुप, तू चुप कर। एक रात में क्या जादू कर दिया उसको लक्ष्मी ने तेरे ऊपर? इतनी सी बात नहीं है। ले जाइए आप लोग अपनी बेटी को यहां से। ऐसा मत करिए, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारी बेटी गलत नहीं है, नादान है। उसकी नादानी के लिए हम आपसे माफी मांगे। हाँ भाई, नादानी तो हमने देख ही ली है। अरे इतनी नादान है कि शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खत्म कर लिया। ऐसी उल्टा लड़की को मेरे लड़के के साथ बांधकर छल किया है आप लोगों ने हमारे साथ। हमें सच में कुछ नहीं पता। समझी जी, कोई तो रास्ता होगा। आप जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है। उसके लिए तो बस फिर रब एक ही उपाय बचा है। आपकी बेटी ने जो गुनाह किया है उसके लिए आप हार जाना दे दो। आप जो बोलोगे हम वो करेंगे तो बस फिर ठीक है। आप 25 लाख का इंतजाम कर लीजिए। पच्चीस लाख में हम दूध में पड़ी मक्खी निकालकर फेंक देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप 25 लाख का इल्जाम नहीं कर पाए तो आपकी बेटी को 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी।
और वो हम पंडित को बुला के पूछ लेंगे कि तीन कठिन परीक्षाएं वो कौन कौन सी होंगी। अभी शादी में सारे पैसे खर्चा कर दिए, अब 25 लाख हम कहां से लाएंगे? अगर पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते तो देने दीजिए ना अपनी बेटी को कठिन परीक्षा। अगर वो इन परीक्षाओं में खरी साबित हुई तो वो इसका मतलब सही है, और इन परीक्षाओं में अगर वो असफल साबित हुई तो अपनी बेटी को यहां से वापस लेके जाइएगा, समझे आप? हाँ, ये सब पागलपन है। एक चादर कैसे मेरे कैरेक्टर के बारे में डिसाइड कर सकती है? और आप लोग भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। हमारे भरोसा करने या ना करने से हम कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें इस घर में रहने देने के लिए हमने उनसे कितनी मिन्नत की, 25 लाख मांग रहे हैं वो, जो अभी मेरे पास नहीं है। अब तो तुझे 3 परीक्षाएं देनी होगी। बेटा, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। ये 3ों परीक्षा में सफल हो जा और अपना घर बसा ले, क्योंकि अगर उन लोग ने तुझे वापस भेज दिया तो ये तेरा बाप खुद को आग लगाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचे। अब हमारी लाज तेरे हाथ में है बेटा, तेरे हाथ। प्रशांत, प्रशांत, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी शर्त है प्रशांत? मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया कि तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो, तुम दे दो परीक्षा। देखो, मुझे पता है तुम पास हो जाओगी, तुम खिलाड़ी रह चुकी हो, फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे तुम पे भरोसा है, मेरे माँ बाप को हो या ना हो, मैं जानता हूँ कि तुम पास हो जाओगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें परीक्षा दे दो बस। उसके बाद ना तुम्हारे घर वालों को मुआवजा देना पड़ेगा और ना ही हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, समझ रही हूँ ना तारा? जब तक तू अपने 3ों परीक्षाओं में सफल नहीं हो जाती, तुझे प्रशांत से दूर रहना होगा। चल मेरे साथ, चल। माँ, चल मेरे साथ। माँ, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। माँ, माँ जी प्लीज, मुझे जाने। पड़ी नहीं आप। माँ जी, माँ जी, माँ जी प्लीज, माँ जी दरवाजा खोलिए। चलिए। माँ जी। पहली परीक्षा है 5 दिन की निर्जला परीक्षा। एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए और न ही एक बूंद पानी।